गुड इवनिंग एवरीवन. सो हियर वी विल डू द रिविजन ऑफ द चैप्टर नंबर 2. ओके, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलरेडी डन द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 1. सो हियर नाउ वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 2. सो लेट्स सी द चैप्टर नंबर 2 इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स. Important notes. First one is Himalayas are also known as young fold mountains. Himalayas ko aur kya bolte hain hum? Young fold mountains. Okay. Second one. The Himalayas form a wall between India and China are one of the highest mountain ranges in the world. Jo Himalayas hai, jo kahan hai? इंडिया एंड चाइना की वॉल के बीच में है, वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का. ओके, अगेन आई रिपीट, हिमालय जो कि इंडिया और चाइना की वॉल के बीच में है, वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का. ओके, थर्ड वन, द रेंज ऑफ माउंटेन इन जम्मू एंड कश्मीर इज काराकोरम रेंज. जो जम्मू एंड कश्मीर के बीच में जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? काराकोरम रेंज. ओके, फोर्थ वन, द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंजेस. हिमालय के वहाँ क्या है? 3 पैरेलल रेंजेस है. कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक हिल्स. ओके, 3 रेंजेस कौन सी है पैरेलल रेंजेस? हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक हिल्स. फिफ्थ वन, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड हिमाद्री विच हैज़ हाईएस्ट पीक इन माउंट एवरेज. जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो नॉर्थ में है वो कौन सी है? हिमाद्री. और उसमें क्या है? विच हैज़ द हाईएस्ट पीक. उसमें क्या है? एक बहुत हाईएस्ट पीक है इंडिया का. कौन सा है हाईएस्ट पीक? माउंट एवरेस्ट. ओके, now sixth one, the highest peak located in India is Kanchenjunga. India ki highest peak kaun si hai? Kanchenjunga, jo kahan hai? Sikkim mein. Aur jo northern range ki highest peak hai wo kaun si hai? Mount Everest. Lekin India ki highest peak kaun si hai? Kanchenjunga, jo kahan pe hai? Sikkim mein hai. Seventh one, the second range is called, the second range is the Himachal range or the middle Himalayas. It runs parallel to Himadri. Aur jo second range hai wo kaun si hai? Himachal range or middle Himalayas. We can also call the Himachal range as middle Himalayas. It runs parallel to Himadri, jo Himadri ke parallel chalti hai. Understood? Now the next one, the third range is also known as outer Himalayas or lower Himalayas. These are the southernmost and the lowest range of India. Third range kaun si hai? Outer Himalayas or lower Himalayas. Hum isko outer Himalayas and lower Himalayas bhi bol sakte hain. वो कौन सी रेंजेस? सर्दर्न मोस्ट यानी साउथ में है और वो इंडिया की सबसे लोएस्ट रेंज है. ओके, नाउ वी विल रिवाइज वंस अगेन. फर्स्ट वन, हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स. हिमालयाज को और क्या बोलते हैं हम? यंग फोल्ड माउंटेन्स. सेकेंड वन, द हिमालयाज फ्रॉम अ वॉल बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर वन ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. जो हिमालयाज है वो कहाँ पे है? किसकी वॉल के बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में है. एंड आर द वन ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन और हाइएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का. थर्ड वन, द रेंज ऑफ माउंटेन इन जम्मू एंड कश्मीर इज काराकोरम रेंज. जो जम्मू एंड कश्मीर में माउंटेन रेंज है वो कौन सा है? काराकोरम रेंज. फोर्थ वन, द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक हिल्स. ओके, 3 पैरेलल रेंजेस है, कौन कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक हिल्स. फिफ्थ वन,
द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड हिमाद्री विच हैज हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट. जो नॉर्दर्न मोस्ट जो नॉर्थ में रेंज है वो कौन सी है? हिमाद्री. और हिमाद्री की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट. सिक्स्थ वन, द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन इंडिया इज द माउंट कंचनजंगा इन सिक्किम. इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट कंचनजंगा, जो कहाँ है? सिक्किम में. सेवेंथ, द सेकेंड रेंज इज द हिमाचल रेंज और द मिडिल हिमालयाज. इट रन्स पैरेलल टू हिमाद्री. सेकेंड रेंज है हिमाचल और उसको हम मिडिल हिमालयाज भी बोलते हैं, जो हिमाद्री के पैरेलल चलती है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, द थर्ड रेंज इज ऑल्सो नोन एज द आउटर हिमालयाज और लोअर हिमालयाज. जो थर्ड रेंज है वो कौन सी है? आउटर हिमालयाज और लोअर हिमालयाज, जो कहाँ है? साउथ में है और वो इंडिया की सबसे लोएस्ट रेंज है. ओके, नाउ वी विल मूव अहेड ए पार्ट, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द हिमालयाज द फार्देस्ट. ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे हिमालयाज बहुत दूर है? हरियाणा. ऑप्शन नंबर डी हरियाणा. एवरीवन जस्ट टिक मार्क ऑप्शन नंबर डी हरियाणा. सेकेंड, द फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालया इज द हिमाद्री. फर्स्ट रेंज कौन सी है हिमालय की? द हिमाद्री. ऑप्शन नंबर सी, सो टेक द ऑप्शन नंबर सी. थर्ड, द हाईएस्ट पीक इन हिमालयन रेंज इज कंचनजंगा. जो हाईएस्ट पीक हिमालयन रेंज का कौन सा है? कंचनजंगा. सो टेक द ऑप्शन डी कंचनजंगा. फोर्थ, माउंट कंचनजंगा इज लोकेटेड इन सिक्किम. ऑप्शन नंबर बी सिक्किम. नेक्स्ट वन, नाउ वी विल रिपीट वंस अगेन. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द हिमालयाज द फार्देस्ट. कौन से स्टेट से हिमालय दूर है? हरियाणा. ऑप्शन नंबर डी सेकेंड वन. द फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालय इज द हिमाद्री. ऑप्शन नंबर सी. द हाइएस्ट पीक इन हिमालयन रेंज इज, जो हाइएस्ट पीक है हिमालयन रेंज की? कंचनजंगा. ऑप्शन नंबर डी. माउंट कंचनजंगा इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम में. ऑप्शन नंबर बी. ओके, नाउ वी विल मूव अहेड बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द रेंज ऑफ माउंटेन इन जम्मू एंड कश्मीर इज द, जो माउंटेन रेंज जम्मू एंड कश्मीर में है वो कौन सी है? काराकोरम रेंज. के ए आर ए के ओ आर ए एम, काराकोरम रेंज. आर ए एन जी ई रेंज. अगेन आई रिपीट, के ए आर ए के ओ आर ए एम काराकोरम. आर ए एन जी ई रेंज. यंग फोल्ड माउंटेन आर ऑल्सो नोन एज हिमालयाज. एच आई एम ए एल ए वाई ए एस हिमालयाज. एच आई एम ए एल ए वाई ए एस. थर्ड वन, डैश इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इन हिमालयाज. हिमाद्री. नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन सी है? हिमाद्री. एच आई एम ए डी आर आई हिमाद्री. एच आई एम ए डी आर आई हिमाद्री. फोर्थ वन, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज लाइज इन नेपाल. एन ई पी ए एल नेपाल. एन ई पी ए एल नेपाल. डैश इज अ हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया. हिल स्टेशन कौन सा है उत्तराखंड का? नैनीताल. एन ए आई एन आई
TAL नैनीताल, NAI NITAL नैनीताल. 6th, the southernmost and the lowest range of Himalayas is Shivalik, SHIWALIK Shivalik, SHIWALIK Shivalik. Now I will repeat once. First one is Karakoram range, KARAKORAM range, Karakoram range. Second one is Himalayas, HIMALAYAS Himalayas. Third, Himadri, HIMADRI Himadri. Fourth one is Nepal, NEPAL Nepal. Fifth one is Nainital, NAINITAL Nainital. Sixth one is Shivalik, SHIWALIK Shivalik. Now we will move ahead, part C, true and false. The second range of Himalayas is the Himadri. Second range Himadri hai kya? No, second wali to hai the Himalayan range. So write false or F. Second, Himalayas are also known as Young Fold Mountain. Yes, true. या तो आप खाली टी लिख दो या पूरा ट्रू लिख दो, एज योर विश, जैसा आपको अच्छा लगे. थर्ड, ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ स्नो एंड आइस. यस ट्रू, राइट टी और ट्रू. नाउ फोर्थ, सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट. ट्रू. Fifth one, the Himalayas have four parallel ranges at different heights. No, only three parallel ranges. So write false or F. We will check it again. First, the second range of Himalayas is the Himadri. False. Second one is true. Third one is also true. Fourth one is also true. Fifth one is false. I hope you all had done till this. Now we will move towards D part. Match the column. Column A, Gangotri. Gangotri is a glacier. So write fifth near Gangotri. Like what I had written, you have to like this, write this, okay? आपको इसके जैसे लिखना है जैसा मैंने लिखा है. सेकेंड, श्रीनगर इज अ वैली. सो राइट फर्स्ट नियर श्रीनगर. थर्ड इज टिपकिला. पास, राइट द सिक्स्थ वन. राइट सिक्स्थ नियर शिपकिला. फोर्थ, कंचनजंगा इज अ पीक. सो राइट सेकेंड नियर कंचनजंगा. Fifth, Kosi is a river. So write fourth near Kosi. Sixth, Karakoram is a mountain range. So write third near Karakoram. We will check again. Gangotri, fifth. Srinagar, first. Shipkila. Sixth, Kanchanjunga, second. Kosi, fourth. Karakoram, third. Understood? Okay, E part. Answer the following questions. First question is, what are glaciers? Name two glaciers.
दे आर द रिवर्स विच आर कवर्ड विद स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर. ऐसे रिवर्स जो कि स्नो और आइस से कवर होते हैं पूरे साल तक, वो क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर्स. और दो ग्लेशियर कौन कौन से हैं? गंगोत्री एंड यमुनोत्री. अंडरस्टूड? I repeat once, they are the rivers which are covered with snow and ice throughout the year. जो पूरे साल तक ice और snow से cover होते हैं उनको हम कहते हैं glaciers. Two glaciers कौन से हैं? Gangotri and Yamunotri. Understood everyone? Now let's move towards second question. Write the names of three Himalayan ranges. Three Himalayan ranges कौन कौन सी है? The names of three Himalayan ranges are, see, first one is the Himadri, second one is the Himachal range, third one is the Shivalik Hills. तो three Himalayan range कौन कौन सी है? First one is the Himadri, second one is the Himachal range and third one is the Shivalik Hills. Understood? Third question. Write the names of hill stations of Himachal range. अभी hill station कौन कौन से Himachal range के? Kashmir Valley, Kullu Valley, Kongra Valley आर द हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल रेंज. ये थ्री वैली है, कौन कौन सी है? कश्मीर वैली, कुल्लू वैली एंड कंगरा वैली आर द हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल रेंज. ओके. फोर्थ, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज. अभी हमको हिमालयाज की इम्पॉर्टेंस लिखनी है. द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड हिमालयाज. जो नॉर्थ में माउंटेन्स हैं इंडिया के उनको हम क्या कहते हैं? हिमालयाज. दीज आर ऑल्सो नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स. उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम और क्या बोल सकते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं. दे आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. और वो वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस है. अगेन आई रिपीट, The northern mountains of India are called Himalayas. These are also known as young fold mountains. उनको हम क्या बोलते हैं? Young fold mountains. They are the highest mountain ranges in the world. वो in world का सबसे highest mountain range है. Okay? Now the fifth question. Describe the three parallel ranges of the हिमालयाज. सबसे पहले थ्री पैरेलल रेंजेस कौन सी है? द हिमाद्री, द हिमाचल रेंज, थर्ड वन इज द शिवालिक हिल्स. सो फर्स्ट वन इज द हिमाद्री. इट इज़ द फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालयाज. इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज. ये हिमालय की सबसे पहली रेंज है जो नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है, जो नॉर्थ में है. ओके. सेकेंड, द हिमाचल रेंज. It is also known as the Middle Himalayas. ये Middle Himalayas है, Middle में है ना, इसलिए Middle Himalayas है. It lies between Himadri and Shivalik Hills. ये किसके बीच में है? Himadri के और Shivalik Hills के बीच में है, इसलिए और हम इसको क्या बोलते हैं? Middle Himalayas. Third one is the Shivalik Hills. It is also known as Outer Himalayas or Lower Himalayas. ये Outer Himalayas और Lower Himalayas है क्योंकि ये सबसे नीचे है, इसलिए. It is the southernmost range. ये भी south में है. Okay? We will repeat once again. First one is the Himadri. It is the first range of Himalayas. It is the northernmost range. ये first range है Himalayas की और ये northernmost range है जो north में है. Second, the Himachal range. It is also known as the Middle Himalayas. It lies between Himadri and Shivalik Hills. ये और क्या कहलाती है? Middle Himalayas, जो Himadri और Shivalik के बीच में है. Next, Shivalik Hills. It is also known as Outer Himalayas or Lower Himalayas. It is the southernmost range. ये Outer और Lower Himalayas है और ये South में है, इसलिए ये southernmost range है. See everyone, ये question number 6th है. I had given you this by mistake.
okay? So you don't have to do this, okay? So put a cross over here. जैसा मैंने cross लगाया है वैसे आप इस पर cross लगा दीजिए. So ये आपको अभी नहीं करना है और ये आपके exam में नहीं आएगा. Understood? So put a cross over here. I repeat once, you don't have to do this question number 6 as it will not come in your exams. So put a cross over there. I had given you this by mistake. Okay? So students, here we had completed the revision of chapter number 2 also. Okay everyone, so please revise chapter number 1 and 2 very nicely, okay? It will help you in exams, okay? So everyone, now we will meet in next session. Bye and have a nice day everyone.